आप ये समझोगे कि मैं शादी वादी में बयान छोड़ दूंगा, ये नहीं हो सकता। आप दुनिया छोड़ दोगे, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, ये बयान नहीं छोड़ूंगा मैं, ये जहन में रखो। क्योंकि ये माशरे में तबाही फैल रही है ना, देर से शादियां, फिर ना तलाक याफ्ता की हो रही है ना बेवा की हो रही है, बच्चियों की शादियां 25-25, 30-30 साल में जाके कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जल्दी शादी कर रहे हैं। जल्दी थोड़ी हो रही है, तो बहुत लेट हो रही है भाई। बर वक्त उनका निकाह नहीं करते, अभी तो पढ़ना है, अभी तो डॉक्टर बनना है, अभी तो MSc MA करना है, अभी तो फलाना करना है। ओ भाई जान, पहले तो शोहर का इंतज़ाम करना है, फिर शोहर पढ़ाई का इंतज़ाम करेगा उसके लिए। जिसकी अमानत है उसको बोलो खुद पढ़ाओ इसको। ऐसा शोहर नहीं मिलता तो फिर एक अलग बात है। वो इसलिए नहीं मिलता कि शोहर करता ही नहीं, बंदा लोग करते ही नहीं शादी, उनको एजुकेटेड चाहिए ना, रेडीमेड बीवी चाहिए, उनको डॉक्टर बन चुकी हो, पढ़ी लिखी हो। तो हम कहते हैं रेडीमेड मत लो, आप अनपढ़ लड़कियों से शादी करके उनको खुद ही पढ़ा दो, 8वीं पास मैट्रिक पास लड़कियों से शादी करो। बोलो भाई बेगम, अब आप हमारी हो, बताओ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं खर्चा उठाऊंगा आपका, इंजीनियर बनना है, MBA करना है, मैं हूँ ना। अब्बा से बोलो अब्बा दो पैसे, आपकी बहू है, ठीक है ना। ये जहालत है जो हमारे माशरे में चल रही है। खर्चा बाप का होता है, फ़ायदा ससुराल उठाता है। बाप के एक धेले काम नहीं आती वो, तभी बेटियां बापों पे बोझ बन रही हैं। बेटी की पैदाइश पे लोगों ने रोना शुरू कर दिया है, तो इसलिए हम चीखते रहेंगे, बोलते रहेंगे इन मसाइल पर। आप बोर हो जाओगे, लेकिन आप भी ढीठ हो। मैं अगर बोलने में ढीठ हूँ तो आप अमल ना करने में ढीठ हो। आप बोलो कि मुफ्ती साहब हर बयान में बोलते रहो, करेंगे हम फिर भी नहीं, चलाएंगे हम अपनी। तो गरीब लोगों की बच्चियों से शादी करो, या बेशक अमीर लोगों की बच्चियों से कर लो, कम उम्र बच्चियों से करो शादी अपने बेटों की, और बोलो भाई आप ना तालीम दें, एजुकेशन कौन देगा, हम देंगे, इधर ले आओ हम पढ़ाएंगे इसको। भाई आपकी बहू डॉक्टर होगी, अच्छी बात है, आपकी इज्जत होगी भाई। तो खर्च जिसकी इज्जत हो रही, खर्चा उसका हुआ नहीं है साले का, माजरत के साथ, खर्चा एक ढेला किया नहीं है, फ्री फोकट में इज्जत करवा रहे अपनी कि मेरी वाइफ डॉक्टर है। पैसे खर्च करो, समझ रहे हैं, फिर बीवी भी कदर करेगी। बीवी को पता है मेरे ससुर ने एक ढेला खर्च नहीं किया मेरे ऊपर, और ना खर्च करने का कायल है। मेरे मियाँ ने एक ढेला खर्च नहीं किया, खर्चा सारा मेरे बाप का हुआ है। और अब ससुर ये तवक्को रखता है कि मुझे वो इज्जत दे जो बाप को दी थी। तो आप बाप बन के दिखाओगे तो इज्जत मिलेगी भाई, फ्री फोकड़ की इज्जत दुनिया में किसी को नहीं मिलती, ठीक है ना। आप दिल बड़ा करोगे तो फिर आपको भी इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी। तो ऐसे बाप मार्केट से शार्ट हैं, हम बयान में ऐसे बाप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ऐसे बाप मार्केट में होलसेल के हिसाब से पैदा हो गए और ऐसे दामाद या ऐसे बेटे पैदा हो गए मार्केट में, तो हम ये बयान करना